नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, कोरल ड्रॉ के साथ। 19 कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप 17 यूज़ कर सकते हैं, 16 यूज़ कर सकते हैं, आपके जो वर्जन है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आज हम सीखेंगे एक रेक्टेंगल सही से कैसे बनाया जाता है और एक सर्कल कैसे सही से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका रेक्टेंगल का, F6 इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, आप F6 दबाएंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा। आप यहाँ से भी रेक्टेंगल चूज़ कर सकते हैं। आप यदि कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो इस टाइप से बनेगा। यदि आप कंट्रोल दबाते हैं तो प्रॉपर रेक्टेंगल बनेगा। देखिए ये हमने कंट्रोल दबाया, और माउस का लेफ्ट की प्रेस किया, जहाँ तक लेके जाएंगे वहाँ तक रेक्टेंगल बनेगा। इस पर आप कोई कलर करना चाहते हैं कलर कर दीजिए। और एक हम देख लेते हैं बिना कंट्रोल पकड़े। देखिए बिना कंट्रोल पकड़े आप इसको जहाँ ले जाना चाहते हैं चला जाएगा, बट एक प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए कंट्रोल दबा के प्रॉपर रेक्टेंगल बनेगा, अरे कंट्रोल नहीं दबाएंगे हम तो प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ये एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा इस टाइप से बनेगा आपका। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सर्कल देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में जानेंगे। इसको हम साइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आता है आपका सर्कल, एलिप्स। एलिप्स यानी सर्कल के बारे में। इसको सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबाएंगे तो ये प्रॉपर सर्कल बनेगा। ठीक है, देखिए कलर कर दिया हमने। कोई कलर कैसे फील होता है, अपने माउस का लेफ्ट की दबाएंगे तो कलर फील होगा। वही चीज़ यदि हम कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो देखिए सर्कल कैसे बन रहा है, प्रॉपर शेप एक नहीं बन रही है। ये आपका प्रॉपर शेप है, कंट्रोल दबा के माउस का लेफ्ट की प्रेस किया तो प्रॉपर सर्कल बना। हमने कंट्रोल नहीं दबाया तो इस टाइप का सर्कल बना हमारा। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। देखिए एलिप्स, कंट्रोल दबा के हमने सर्कल खींचा तो प्रॉपर शेप बना है इसका, जो सर्कल का एग्जैक्ट साइज़ होता है उस टाइप का बना है। ठीक है, अब कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो देखिए, देखिए कैसे बन रहा है हमारा। ये हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम जब भी सर्कल बनाएंगे तो कंट्रोल दबा के बनाएंगे, जिससे हम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको मैंने बता दिया है रेक्टेंगल जब भी हम लेंगे कंट्रोल दबा के लेंगे। यदि हमें लंबा लेना है, कुछ अपने हिसाब से साइज चेंज करना है तो हम कंट्रोल नहीं दबाएंगे। ठीक है, वही चीज़ सर्कल के साथ आता है। यदि हमें प्रॉपर सर्कल बनाना है तो कंट्रोल दबा के हम अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे। यदि हमें प्रॉपर सर्कल नहीं बनाना है तो कंट्रोल नहीं दबाएंगे। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको सर्कल और रेक्टेंगल के बारे में पता चल गया होगा कि सर्कल कैसे बनाया जाता है और रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बेल आइकन है वो दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। थैंक यू।